राहुल ने सरकारी बंगला खाली किया। मां सोनिया के घर में शिफ्ट हुए, सांसद जाने के बाद घर खाली करने का नोटिस मिला था। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली कर दिया। उनका सामान मां सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास में शिफ्ट किया गया है। करीब 19 साल से यह बंगला उनका आधिकारिक आवास था, लेकिन उनकी सांसद जाने के बाद उन्हें यह बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। राहुल का सामान को शिफ्ट करने में करीब 5 घंटे लगे। दरअसल 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बाद राहुल ने कहा था कि सरकारी बंगले से उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब उन्हें अपने या सोनिया के बंगले में शिफ्ट होने का सुझाव दिया था। राहुल को 27 मार्च को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। बंगला खाली करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था। नोटिस मिलने के अगले दिन राहुल ने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।